नमस्कार शुभ सका। आज डिसेंबर मास 27 तारीख सोमवार। आज सका देश विदेश 10 गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं मुझे अमिताभ आपण मन पाखे आँच जा प्रमुख खबर खूब शीघ्र मिलवा चाषी भाई भौनी मानंकु कालिया योजनार सप्तम किस्तीर टंका केबे मिलिबो 2000 टंका। तबे नुवाकरी आम चैनल आसिले चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बक्स में आपंकर सुंदर मतामत देवा जमार भूलिबे नि। आसंतु नजर पकेबा 10 ताजा खबर कौन रही। नंबर 1 रे रही प्रधान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुत्वपूर्ण घोषणा। जनवरी 3 रु आरंभ हेबो 15-18 वर्ष पिलांको पाई कोरोना टीकाकरण। देश में कोरोना विरोधी लड़ाई पाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गतकाली केतेक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिछंती। जनवरी 3 रु 15-18 वर्ष पिलांको पाई कोरोना टीकाकरण आरंभ हेबो। सेहिपरि स्वास्थ्य सेवा कर्मजीवी पाई जनवरी 10 रु तृतीय डोज बा प्रिकसन डोज आरंभ हेबो। वयस्क ओ अन्य रोग थिबा लोक माने डाक्टर परामर्श क्रमे तृतीय डोज नहीं पारे। गतकाली देशवासी उद्देश्य भाषण दे मोदी यह घोषणा कर। नंबर 2 रे रही ओडिशा रे बाहरिले आउ 4 ओमिक्रॉन आक्रांत। 8 रे पहुंचला मोट संख्या। ओडिशा रु बाहरिले आउ 4 जन ओमिक्रॉन आक्रांत। राज्य में मोट 8 को छुईला ओमिक्रॉन आक्रांत संख्या। एने ICALS पक्षर स्वास्थ्य विभाग को जणाई दिया जायथिबा सूचना मिली। खबर अनुजाई राज्य में एबे जाय 8 जन ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट होती। पूर्वरु पर्याय 4 जन चिन्हट होता बेले गतकाली 4 जन चिन्हट होती जहाँ को मिसाई पहुंचला राज्य में ओमिक्रॉन आक्रांत संख्या 8। नंबर 3 रही 4 पर कोटि कोटि कृषक को खुशी खबर देवे मोदी सरकार। खाता को आसीबो 4000 टंका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे दशम किस्ती पाई अपेक्षा करथिबा चासी को पाई खुशी खबर। सरकार किसान सम्मान निधि योजना रो दशम किस्तीर टंका पठाया पाई तारीख घोषणा करिछंती। आज थारु 4 दिन अर्थात जनवरी 1 तारीख 2022 रे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पीएम किसान योजना अधीन रे दशम किस्तीर टंका जारी करिवे। जेऊ कृषक माने खाता को नवम किस्तीर टंका आसी नाही सेमानक खाता रे एका बेळक 2 किस्तीर टंका डिपॉजिट हेबो। अर्थात सेमानक खाता को केवल 4000 टंका ट्रांसफर करा जीवो। तबे ई सुविधा केवल सेही कृषक मानक पई उपलब्ध जेऊ माने डिसेंबर 30 पूर्वरु पंजीकरण करि दैछंती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रा लाभार्थी EKYC पूरा करिवा परे ही दशम किस्तीर टंका पाइबे। सरकारी योजना रा लाभ पाइबा पई एही प्रक्रिया शेष करिवा को बाध्यतामूलक करा जाइछि। तबे EKYC अपडेट नकले दशम किस्तीर टंका अटकि जीवो। आम दर्शक एक गुरुत्वपूर्ण खबर जब आप आम चैनल नियमित दर्शक आम भिडियो को देखुआ समय स्क्रीन भिडियो रेकर्ड कर संपूर्ण विज्ञापन सहित शेष पर्यटन देखिए आम व्हाट्सअप नंबर में 10 पठाइए। योग्य दर्शक को सही मास शेष तारीख में मोबाइल नंबर 1 मास मोबाइल रिचार्ज आम तरफ पुरस्कार दिया। आम ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है 8208016092। यह नंबर में आपको भिडियो को व्हाट्सअप कर पठाई दिखाँ। मास शेष फ्री में गोटे मास मोबाइल रिचार्ज कर। नंबर 4 रही एणिक चिकेन और अंडा हो सस्ता। समग्र देश में खूब शीघ्र चिकेन और अंडार दर ह्रास पाई। निकट में केन्द्र सरकार स्टक् रखा नहीं एक सीमा निर्धारण कर फल 2022 मसीहा जून मास पर्यंत केही आवश्यकता ठारु अधिक मात्रा रे स्टॉक रखि परिबे नाही। एहा द्वारा अंडा ओ चिकन ल दाम को नियंत्रण करि हेबो। गत 23 तारीख रे एनेई नोटिस जारी करा जाइछि। एथि सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम 2955 अनुसूची को संशोधन करा जाइछि। एणी कि मिल मालिक प्लांट मालिक 90 दिन पर्यंत स्टॉक रखी पारिबे और स्टोरेज स्थान घोषणा करि पारिबे। नंबर 5 रही गूगल को टपी विश्वर लोकप्रिय इंटरनेट साइट हैला टिकटक। पछरे पड़ा गूगल। नंबर 1 हैला टिकटक। अमेरिको इंटरनेट कंपनी गूगल को काटी विश्वर 1 नंबर स्थान में पहुंची चीन रिदो भिडियो आप टिकटक। 2021 विश्वर सर्वाधिक लोक टिकटक को देखी फल विश्वर सबुठ लोकप्रिय इंटरनेट साइट में परिणत हो पारि रिपोर्ट रु जना पड़ी। 2020 पर्यंत सारा विश्व रे गूगल सबुठारु लोकप्रिय इंटरनेट साइट थिला। हेले गत वर्ष ठारु भारत रे टिकटॉक को निषिद्ध कर जायछि। नंबर 6 रे रहिछि ओमिक्रॉन पई 5700 विमान उड़ाण बातिल। कोरोना भूताणुर अति संक्रमक भाइरांट ओमिक्रॉन वर्तमान विश्वव्यापी माड़ी चली। बड़ धरणर प्रभाव विमान सेवा शिल्प उपरे पड़ी। ख्रीसमस दिन सप्ताह अंतरे विश्व 5700 विमान बातिल होता बेले हजार हजार विमान चलाचल विलंब हो विमान जात्री को मुंड व्यथार बढ़ी जाइए। flightaware.com सूचना अनुजाई डिसेंबर 25 दिन विश्व 2500 अधिक विमान बातिल केवल 870 अधिक विमान
ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିମାନ ବାତିଲ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 2400 ରହିଥିବା ବେଳେ 11000 ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 7 ରହିଛି ଦୂର ହେବ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସମସ୍ୟା। ପ୍ରାୟ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସରକାର। ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କ୍ୟାବିନେଟର ମୋହର ବାଜିଛି। ସତ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ନା ଏସବୁ କାମ ଅଫିସିଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ। ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଦିଗରେ ପାଣି ଭଳି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି 3 ବର୍ଷରେ 81% ଖର୍ଚ୍ଚ କାମ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର 37%। ଯେତିକି ବି କାମ ହୋଇଛି କେଉଁଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି, ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି ଉଠୁଛି। ନମ୍ବର 8 ରହିଛି ସାମାନ୍ୟ କମିଲା ସୁନାର ଦର। ଆପଣ ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଦାମ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 48,260 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 44,210 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଯଥାକ୍ରମେ 45,340 ଟଙ୍କା ଏବଂ 49,700 ଟଙ୍କା। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସୁନା ଦାମ ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 47,300 ଟଙ୍କା ଏବଂ 48,300 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହାର ଦର ଯଥାକ୍ରମେ 47,500 ଟଙ୍କା ଓ 51,800 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନମ୍ବର 9 ରହିଛି ପୁଣି କମ୍ପିବ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଅକ୍ଟୋବରରେ ଖେଳାଯିବ ଫିଫା ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍, ପୁଣି କଳିଙ୍ଗକୁ ଫେରିବ ଫୁଟବଲ ଫିବର। ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଫୁଟବଲ ମହାକୁମ୍ଭ। ବିଶ୍ୱର ବଛା ବଛା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫୁଟବଲ ଦଳ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେରା ପକାଇବେ। 2022 ଅକ୍ଟୋବରରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଅଣ୍ଡର 17 ଫିଫା ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ଅଣ୍ଡର 17 ମହିଳା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2022 ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରଥମେ 2020 ନଭେମ୍ବର 2 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ପୁନଃସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 10 ରହିଛି କୁରକୁରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, 5 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ହେଲା ଶବ୍ଦ। ବିହାରରେ ମୁଜାଫରପୁରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। ରବିବାର ଏଠାରେ ବେଲା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ମୋଦି କୁରକୁରେ ଓ ନୁଡୁଲ୍ସ କାରଖାନାରେ ଏକ ବଏଲର ଫାଟି ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହି କାରଣରୁ 10ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ କଳକାରଖାନା ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। FDM ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବଏଲ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଏହାର ଶବ୍ଦ 5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭା ଯାଇଥିଲା। ତେବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର 7ମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଭୂମିହୀନ ନାମମାତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।